नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गैन का प्रेशर डेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक प्रोबेबल और इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ज्यादा वाइब्रेटिंग जो डेट्स होते हैं वो किसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। लेकिन आज जो है वो हम उसी कड़ी में निफ्टी का इस महीने में कौन सा डेट्स निकल के आ रहा है वो हम और आप दोनों साथ मिल करके जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और प्रोसेस भी समझ पाएंगे कि आखिर हम किस रूल के आधार पे किस डेट तक गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो अपने कमेंट्स के द्वारा अपने क्वेरी जरूर रेज कीजिएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वीडियो का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको ये समझा पाए कि इस मेथड से भी आप प्रोबेबल डेट्स को निकाल सकते हैं। नॉर्मली गैन की बुक में जो है वो लैंग्वेज को यूज किया गया है वो काफी कोडेड लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में वो नहीं लिखा गया है। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है जो भी हमें मिलता है वो हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने 3-4 वीडियो ऑलरेडी हमने आपका पास में शेयर किया हुआ है, तो वो आप उसको रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो आज यदि हम फरवरी में टॉप एंड बॉटम सीरीज में यदि हम प्रेशर डेट्स की बात करें तो उसके लिए हम सबसे पहले तो रूल को रिकैप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमारे नए होंगे जिनको रूल नहीं पता होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि मान लीजिए अभी ये अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में और ये यदि अपवर्ड है, तो कौन कौन सा डेट्स जो है वो बीच में इसको टकरा सकता है, एक प्रेशर डेट बना सकता है। तो आपको बेसिकली आपको क्या चाहिए, एक स्विंग हाई यहाँ पे, दो स्विंग हाई दूसरा यहाँ पे, दो स्विंग बॉटम एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस लास्ट स्विंग बॉटम से आपको प्रोजेक्ट करना। सेम वे यदि अप ट्रेंड में है मार्केट और वो यदि सपोर्ट लेगा या फिर वो एक वाइब्रेशन वहां पे देगा आपको, तो उसके लिए आपको दो स्विंग हाई और दो स्विंग बॉटम की जरूरत पड़ेगी और इस टॉप से जो है वो वापस से आपको यहाँ पे 4 डेट्स जो है, चूंकि दो स्विंग हाई और दो स्विंग लो से आपने कैलकुलेट किया है तो आपको 4 प्रोबेबल डेट्स जो है वो आपको कैलकुलेट किए। तो देखिए हम यहाँ पे स्विंग चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वो आपको बताएगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। यदि आप स्विंग बेसिस पे यदि आप बनाना चाहें तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसमें भी बहुत सारे जो हैं वो इंटरनल है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं कि आप मेजर स्विंग को लें। तो यदि आप मेजर स्विंग को लेते हैं तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, फिर आपका ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, फिर आपको यहाँ पे, तो ये अभी जो है वो हम यहाँ पे हमको 4 मिला पॉइंट, दो स्विंग बॉटम दो स्विंग टॉप, और उसके साथ जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हम आपको यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर। देखिए ये टॉप जो है वो 30 दिसंबर का बना है, ये टॉप जो है वो आपको 24 जनवरी का बना है, ये बॉटम जो है वो 12 दिसंबर का जनवरी का बना है और ये आपका 1 फरवरी का। तो हमारे पास ये चारों डेट्स आ गए, 30 दिसंबर, 12 जनवरी, 24 जनवरी और 1 फरवरी। अब यहाँ से जो है वो हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है तो हम एक्सेल शीट पे जाते हैं। एक्सेल शीट पे गए हम जो है यहाँ पे लिखे, पहला आपको लिखना है टॉप, आपको टॉप लिखना है, तो टॉप आया हमको 30 दिसंबर 2022, दूसरा टॉप आया हमको 24 जनवरी 2023। अब हमको यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे जो बना वो बॉटम हमको जो बना था वो 12 जनवरी 2023 और दूसरा जो बना है वो 1 फरवरी 2023। तो अब एज पर रूल टॉप टू टॉप कितना डिफरेंस है, तो 30 दिसंबर से 24, तो 24 जनवरी में आप 30 दिसंबर को माइनस कर दीजिए, फिर बॉटम टू बॉटम 1 फरवरी से
12 जनवरी को माइनस कर दीजिए, फिर आपको ये टॉप से ये बॉटम, तो 24 जनवरी में 12 जनवरी को माइनस कर दीजिए, और फिर आपको ये टॉप और ये बॉटम, तो 1 फरवरी लास्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव रिजल्ट नहीं आए तो डेट्स को आप हमेशा पॉजिटिव रखें। अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करना है लास्ट स्ट्रिंग से, यानी कि 1 फरवरी से। 1 फरवरी में आप ये 25 डालेंगे, 26 फरवरी का डेट आया है, 1 फरवरी में आप ये 20 डालेंगे तो 21 फरवरी का डेट आया है, 1 फरवरी में आप 12 डालेंगे तो 13 फरवरी का डेट आया है, 1 फरवरी में यदि आप 33 डालेंगे ये फरवरी क्रॉस करके 6 मार्च है, यानी कि 13 फरवरी, 21 फरवरी, 26 फरवरी और 6 मार्च। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, तो 13 फरवरी आज हम 14th को बना रहे हैं, तो ये 13 तारीख को तो एक स्विंग बॉटम यहाँ पे बना है, 13 तारीख को हमको यहाँ पे स्विंग बॉटम हमको यहाँ पे देखने को मिला है, ये अभी वहां से अब मूव जा रही है। देखिए आपको प्लस माइनस वन डे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस वन डे ज्ञान ने इसलिए बताया हुआ है क्योंकि बीच में छुट्टियां आती है, तो इस वजह से कई बार वो या तो एक दिन पहले या एक दिन का बाद का डेट्स का वो एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट होता भी नहीं है, और आप इसको ऐसा रिवर्सल भी डेट्स नहीं मानिएगा, आप इसको एक ट्रेंडिंग डे मानिएगा कि जब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड मिलने की, मार्केट में ट्रेंड मिले तो ही कोई ट्रेडर पैसा बनाता है, तो ये आप ये मान सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेंडिंग डे हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। गैन ने भी अपने बुक में स्टॉप लॉस की बात की हुई है, जो 100 साल पहले बुक लिखी है उसमें उन्होंने स्टॉप लॉस की बात की है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि उनको भी पता था ये प्रोबेबिलिटी गेम है, श्योरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसी वजह से इसको आपको कंटिन्यूस बेसिस पे, या आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैक टेस्ट करेंगे, तब तो जाकर के आपको एक आप कन्विंस हो पाएंगे कि ये मेथड से बेसिकली ये ज्ञान की मेथड है, और वो हम आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी शेयर किया हुआ है, उसी का ये अपडेशन है जो इस महीने में कौन कौन से डेट्स निकाल ये हमारे पास हमको आ रहे हैं, उसी चीज को हमने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, डेट्स जो है वो आपको मैं फिर से बता दूं कि हमको आया था 26 फरवरी, 21 फरवरी, 13 फरवरी जो बीत गया है और 6 मार्च, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या होता है 21 फरवरी को, 26 फरवरी को, 6 मार्च को, और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले महीने। प्लस आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह के और दूसरे शेयर्स में हम इस मेथड को यूज करें, और हम और आप बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे ये वर्क करता है। इसके लिए जितना हो सके आप अपना कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।